दर्शक बंधु जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना शीघ्र सब्सक्राइब करनी पाखे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करूँ लाइक करूँ एवं सांग मानते सेयार करूँ। वेलकम टू प्रसाद एकेडमी पिलाने प्रसाद एकेडमी को आपण मान स्वागत जमती आम पूर्व क्लास पढ़ी टीस्यू विषय तो आज से टीस्यू उपर किटा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गुड़ा कि रिपीटेडली एग्जाम आसी आम से गुड़ा डिस्कस करने को जाऊे ओके पाने सो समय नष्ट नक आम क्लास स्टार्ट करवा फास्ट क्वेश्चन पाने आसला ना कौन व्हाट इज टीस्यू ओके टीस्यू कहले तुम्हें कौन बुझ टीस्यू कौन ना ए ग्रुप ऑफ सेल व्हाट इज टीस्यू ना ए ग्रुप ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आसला कौन ना व्हिच ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन को ग्लैंड हार्मोन रिलीज करे एक्सोक्राइन ना एंडोक्राइन तो आमर आंसर हवा कौन दरकार ना एंडोक्राइन ग्लैंड ओके पे। नेक्स्ट आसला पे कौन ना व्हिच ग्लैंड इज अल्सो कॉल्ड हाइपोफिसिस को ग्लैंड को ग्लैंड अन्य ना हाइपोफिसिस योर आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड बुझेगा पे पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य नाम हूँ कौन हाइपोफिसिस ग्लैंड। नेक्स्ट आसला पे तुम कौन व्हिच ग्लैंड इज वर्क आफ्टर फर्टिलाइजेशन बा फर्टिलाइजेशन हवा परे भ्रूणर विकास बा स्टार्ट हवा परे को ग्लैंड टा काम करे इमीडिएटली तो आंसर हो कौन पे पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट आसला पे कौन ना व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तुम मानकर जो मैंने स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अच्छी से कौन ना पिट्यूटरी ग्लैंड को कह जाए कौन स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट आसला पे कौन ना पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट आट कौटी प्रेजेंट अच्छी पिट्यूटरी ग्लैंड अवस्थिति कौटी ओके पिट्यूटरी ग्लैंड अवस्थिति हूँ कौटी ना ह्यूमन ब्रेन ने ह्यूमन ब्रेन जो सेरिबेलम पार्ट अच्छी तो से पार्ट्रे पिट्यूटरी ग्लैंड टा प्रेजेंट अच्छी ओके पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कौन ना व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन कौ हार्मोन टा ग्रोथ हार्मोन कह जाए कौ हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन बा शरीर वृद्धि करिवारे कौ हार्मोन सहायक होता है दैट इज सोमाटोट्रोपिन हार्मोन पे तुम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भलसे मन रख कौन ना कौ हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन कह जाए ना से कौन सोमाटोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट आसला पे व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी ओके कौ हार्मोन एटा हूँ टेस्टिस स्पेलिंग मिस्टेक पे तो कौ हार्मोन रेगुलेट्स करे कौन ना एक्टिविटी कार्यकलाप टेस्टिस ओवरी कार्यकलाप को कौ हार्मोन रेगुलेट करे दैट इज तुम कौन ना गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ओके गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कौन कंट्रोल करे रेगुलेट करे कौन ना टेस्टिस ओवरी हार्मोन क्षरण बा टेस्टिस ओवरी रेगुलेट किए करे ना गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट आसला पे कौन ना व्हिच हार्मोन वर्क्स इन मेंसुरेशन ओके व्हिच हार्मोन वर्क्स इन मेंसुरेशन ओके कौ हार्मोन मेंसुरेशन सहायक होता है ना फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेंसुरेशन ने ऋतुस्राव रे सहायक होता है। नेक्स्ट आसला पे व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड मिल्क सिक्रेशन हार्मोन व्हिच हार्मोन इज कॉल्ड मिल्क सिक्रेशन हार्मोन बा कौ हार्मोन द्वारा दुग्ध क्षरण होता है मिल्क सिक्रेट होता है ओके तो सेटा होची कौन ना प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन ओके तो जो बा आर अन्य ना होची कौन ना लैक्टोजेनिक हार्मोन व्हिच हार्मोन लैक्टोजेनिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन मुझे पिला तुम क्वेश्चन करी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन इज अल्सो कॉल्ड व्हिच हार्मोन दैट तुम आंसर हवा कौन दरकार ना प्रोलैक्टिन हार्मोन ओके बुझेगा पे शुण जदि तुमको ये फास्ट हो जाए लगुच तो तुम वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन करनी ताकि ये तुम
ଯୋଉ ଆସୁଛି ଏକ୍ଜାମ, ଯୋଉ ବି ଏକ୍ଜାମ ତମର CISF ହଉ, CRPF ହଉ, ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହଉ ବା ତମର SSC ହଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସର୍ଭିସ ହଉ, ତ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଟିସୁ ବାୟୋଲୋଜିର ଟିସୁର ତ ମସ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା କଥା ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ, ଯଦି ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ ତ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ତମ ହାତରେ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି ତମ ହାତରୁ ତମ ଜବ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇପାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫିସେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଫିସେସ୍ ବା ମାଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ନା ଇକ୍ଥିଓଲୋଜି, ଇକ୍ଥିଓଲୋଜି, ମାଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ଇକ୍ଥିଓଲୋଜି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ, ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍ପାଇଡର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍ପାଇଡର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆର୍କ୍ନୋଲୋଜି। ଓକେ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଫିସେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇଥିଓଲୋଜି, ଇଥିଓଲୋଜି, ହଁ ଇଥିଓଲୋଜି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସ୍ପାଇଡର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆର୍କ୍ନୋଲୋଜି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, କେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟାକୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଛି, ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କେଉଁଟା, ପିଟୁରାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କେଉଁଟା, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କେଉଁଟା, ନା ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆଡାମ୍ସ ଆପୁଲ ଇଜ୍ ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଆଡାମ୍ସ ଆପୁଲ ଇଜ୍ ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଆଡାମ୍ସ ଆପୁଲ ତମେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ନାଁ, ଆଡାମ୍ସ ଆପୁଲ ବା ସେଟା କେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ନାଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଫାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହରମୋନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଫାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହରମୋନ, ୟୋର ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଆଡ୍ରେନାଲାଇନ୍ ହରମୋନ, ଆଡ୍ରେନାଲାଇନ୍ ହରମୋନ। ଆଡ୍ରେନାଲାଇନ୍ ହରମୋନକୁ ଫାଇଟ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହରମୋନ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତମର କ'ଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହଠାତ୍ ଡରିଯାଅ ବା ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହେଲାବେଳେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ତମ ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ପିଟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନା ପିଟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ। ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ପିଟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଅନ୍ୟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁହାଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ନା ହ୍ୱିଚ୍ ହରମୋନ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପେସ୍ ମେକର ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ, କେଉଁ ହରମୋନକୁ ପେସ୍ ମେକର କୁହାଯାଇଛି, ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମର ପେସ୍ ମେକର କୁହାଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହରମୋନ, ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହରମୋନକୁ ପେସ୍ ମେକର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ନା ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ବା ଏ ଯେଉଁ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଫୁଲିବାର କାରଣ କ'ଣ, ନା ହାଇପୋସିକ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଥାଇରକ୍ସିନ, ହାଇପୋସିକ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଥାଇରକ୍ସିନ, ଅଧିକ କ୍ଷରଣ, ଥାଇରକ୍ସିନ ହରମୋନ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷରଣ ହେଲେ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଥାଇରଏଡ୍ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ, ଗ୍ରେପ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ଗ୍ରେପ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ହାଇପର, ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଥାଇରକ୍ସିନ, ଗ୍ରେପ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହାଇପର ସିକ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଥାଇରକ୍ସିନ। ଓକେ, ହାଇପୋ, ହାଇପର, ଏଇ ଦୁଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମେ ଏମାନେ ଭଲସେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ, ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସୁପ୍ରାରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, କେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ନାମ ବା କାହାକୁ ସୁପ୍ରାରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ନାମ ରୂପେ ବଛାଯାଇଛି, ତ ତମମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ସୁପ୍ରାରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସିକ୍ରେଟ ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ହରମୋନ, କେଉଁଟା ସିକ୍ରେଟ କରେ, ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ହରମୋନ ସିକ୍ରେଟ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଆଡ୍ରେନାଲ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ?
नेक्स्ट आसला ह्विच ग्लांड इज अल्सो कॉल्ड इमरजेन्सी ग्लांड। इमरजेन्सी ग्लांड क्या कहुए एड्रेनल ग्लांड को कहुए। लाइफ सेविंग हार्मोन किए क्षरण करे ना एड्रेनल ग्लांड क्षरण करे। सॉरी नेक्स्ट आसला व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ओके वॉल्यूम ऑफ ब्लड केते परिमाणर वॉल्यूम रही था ह्यूमन बॉडी रे। ओके केते 5-6.8 लीटर रक्त मनुष्य शरीर रे रही 5-6.8 लीटर रक्त मनुष्य शरीर रे रही था। नेक्स्ट आसला कौन स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो इज कॉल्ड हेमोडायनामिक्स। स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो जमती कि स्टडी ऑफ फिशेस होची कौन इक्थियोलॉजी सेमती स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो इज कॉल्ड हेमोडायनामिक्स। नेक्स्ट आसला कौन पिला माने व्हाट इज पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड रो पीएच केते 7.3-7.6। व्हाट इज पीएच ऑफ ब्लड 7.3-7.6। व्हाट इज द ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ब्लड क्लॉटिंग टाइम बा कोनोजी गोटे खेते होबार केते समय भीतर ब्लड टा क्लॉट हे थाए रक्त जमाट बांधी थाए एटा होच केते 3-8 मिनिट। नेक्स्ट आसला कौन व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी रो जीवन काल केते दिन 100-120 दिन। ब्लड कलर इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ब्लड कलर इज रेड ब्लड रो कलर नाली हे थाए कोन पई कहार प्रेजेंस थिबा जोगु। योर आंसर विल बी हेमोग्लोबिन। आसला कौन पिला माने आफ्टर डेथ ऑफ आरबीसी। आफ्टर डेथ ऑफ आरबीसी आरबीसी टा मल्ला परे आरबीसी जेतोले मरी जाए ओके कोटी डिपॉजिट हुए डिपॉजिटेड इन स्प्लीन। ओके आउ आउ कोन को जो एमती क्वेश्चन पर पता दे दियो इबला माने आफ्टर बा डेथ ऑफ आरबीसी आफ्टर द एमती भी पचार दियो पिला तमनंगु कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ओके मनीष माने जेतो बले मृत्युवरण करंदी मनीष मानन कोडी डिपॉजिट हुंदी स्मशान रे बा कबर खाना रे। सही परिभाव रे आरबीसी रो बा मनीष माननकर ग्रेव यार्ड कोडा स्मशान बा कबर खाना। ओके तो आरबीसी रो सेमदी ग्रेव यार्ड कोटा ना स्प्लीन। आरबीसी मला परे कोटी डिपॉजिटेड हुए ना स्प्लीन ने डिपॉजिटेड हुए। सो पिला माने आजिरो सेशन।